हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट ऑफ इंडिया। आज की रेसिपी है मशरूम मसाला की। मशरूम की ऐसी सब्जी बनेगी कि आप मटन खाना भी भूल जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर लें। चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। चलिए अब मशरूम मसाला की डिलीशियस सी रेसिपी शेयर करती हूँ आपसे। मशरूम मसाला की सब्जी के लिए मशरूम को अच्छी तरीके से वॉश करके उबाल लें। इसके लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो पैन में भी उबाल सकते हैं, पर उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। मशरूम में इतना पानी डालें कि इसे कवर कर लें। लिड लगाकर एक विसल आने तक उबाल लें। विसल आ चुका है तो आँच बंद करें और मशरूम को पानी से फटाफट से निकाल कर हटा लें, नहीं तो ये पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। अब इसे छोटे या बड़े पीसेस जैसे भी आपको पसंद हो करके रखें। प्याज को लंबे और पतले स्लाइसेस में कट कर लें। साथ में अदरक, लहसुन, साबुत जीरा और काले मिर्च को मिलाकर एक पेस्ट बनाकर रख लें। ग्रेवी की प्रिपरेशन के लिए एक कढ़ाई को आंच पर चढ़ाएं और इसमें 5 से 6 चम्मच तेल डालें। तेल गर्म हो जाए तो 1/2 टेबलस्पून साबुत जीरा, 1 तेज पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च और कुछ खड़े मसाले में लौंग, जावित्री का टुकड़ा, दालचीनी का टुकड़ा, काले मिर्च के दाने, बड़ी इलायची और छोटी इलायची डालकर 1 मिनट तक धीमी आंच पर फ्राई करें। इसका अरोमा इस सब्जी में काफी अच्छा आएगा। कट करके रखा हुआ प्याज डालें और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही लगातार से चलाते हुए इस तरीके से ट्रांसलूसेंट होने तक पका लें। अब इसे धीमी आंच पर ट्रांसफर करें और तेज आंच पर एक दूसरे फ्राइंग पैन को चढ़ाकर इसमें 2 चम्मच तेल डालें। तेल गर्म हो जाए तो इसमें 2 आलू डाला है मैंने, उबाल कर क्यूब्स में कट करके रखा है। तेज आंच पर ही इसे 2 से 3 मिनट या तो ऐसी क्रिस्पी लेयर आने तक फ्राई करें। अब इसमें कट करके रखा हुआ मशरूम डालें और 3 से 4 मिनट दोनों को एक साथ पकाएं, जिससे मशरूम पर भी क्रिस्पी लेयर आ जाती है। अब इसे आंच से उतार दें और धीमी आंच पर जो प्याज फ्राई हो रहा था वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसमें जीरा, लहसुन, अदरक वगैरह का जो पेस्ट बना कर रखा था उसे डालें और धीमी आंच पर इस तरीके से तेल की रिलीज होने तक पकाएं। इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें और धीमी आंच पर 2 मिनट तक पकाने के बाद 2 चम्मच पानी डालें, जिससे मसाला काफी अच्छी तरीके से फ्राई होता है। इस तरीके से पानी डालकर ही मसाले को फ्राई करेंगे तो इसका अरोमा टेस्ट काफी इनहेंस होगा। तेल रिलीज हो रहा है तो इसमें फ्राई करके रखा हुआ आलू और मशरूम डालें और 2 से 3 मिनट मसाले के साथ धीमी आंच पर इसे और फ्राई करें। अब इसमें 1 ग्लास पानी डालें। इसके बाद 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालें और मिलाकर लिड लगा दें और धीमी आंच पर 5 से 6 मिनट या तो ग्रेवी में तेल के रिलीज होने तक इस तरीके से पका लें। ग्रेवी में तेल अच्छे से रिलीज हो चुका है और ग्रेवी काफी लबाबदार, लथपथी या तो कह सकते हैं काफी गाढ़ी बनी है, बिल्कुल मटन का लुक दे रही है। काफी टेस्टी सब्जी बनी है। इस तरीके से मशरूम की सब्जी बनाएंगे तो जो लोग मशरूम खाना नहीं पसंद करते वो भी खाना शुरू कर देंगे और जो लोग मटन खाते हैं वो मटन खाना भूल जाएंगे। तो अब से जब भी आप मशरूम की सब्जी बनाएं तो प्याज को ऐसे ही तेज आंच पर लगातार से चलाते हुए भुनें और मसाले को भूनते समय धीमी आंच रखें और पानी का इस्तेमाल बार बार करें। रेसिपी अच्छी बनेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।